दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इन सब में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। वैसे तो काफी सिंपल सा तरीका है, कुछ ही मिनटों में अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। सिंपल सा तरीका इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना अच्छे समझने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंजल वन अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से लिंक के थ्रू आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। स्क्रीन पे देखकर आप स्टेप्स को समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए अपना सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे वो ओटीपी नंबर फिल करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यूएबल ऑप्शन पे टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है। फुल नेम फिल करने के बाद आपको कंटिन्यूएबल ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी चूज करना है। ईमेल आईडी चूज करने के लिए आपको कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन को चूज करना है। जिस ईमेल आईडी को आपने चूज किया होगा उस ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे ओटीपी नंबर फिल करना है। वो वाला ओटीपी नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करना है। पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। केवाईसी पूरा यहाँ पे फुल्ली डिजिटली होगा, यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस बॉक्स को आई कंसेंट करके ऑथेंटिकेट आधार वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको अपना आधार का नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद जैसा कैप्चा दिया गया है बिल्कुल आपको यहाँ पे वही कैप्चा फिल करना है। सेम कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपके आधार कार्ड से, उस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ मिनट के बाद दोबारा रिसेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। रिसेंड करके आप दोबारा ओटीपी रिसीव कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ओटीपी नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे डिजी लॉकर में अगर आपने पहले से कोई एक सिक्योरिटी पिन बनाया होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे वही पिन नंबर फिल करना है। अगर आप पहली बार डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड हो रहे तो यहाँ पर आपको पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पिन सेट कर लेना है, या अगर आपने पहले पिन सेट करके रखा है आपको पिन याद नहीं है तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पिन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। सिंपली कुछ डिटेल्स को फिल करके आप अपने पिन को फॉरगेट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर पिन नंबर फिल करके आपको कंटिन्यूएबल ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ पे टैप करना है। आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से फेच होकर के यहाँ पे सक्सेसफुली वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। जब आपने फंड में पैसा ऐड करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली अपना फंड में पैसा ऐड कर सकते हो, या फंड से आपको बैंक अकाउंट में पैसा विदड्रॉ करना है तो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में सेम अकाउंट नंबर री एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड भी फिल करना है। आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके जो बैंक का पासबुक होगा उसमें फ्रंट पेज में आपको आईएफएससी कोड मेंशन रहता है, या आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करके भी आईएफएससी कोड मालूम कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिल करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद यहाँ पे आपको अपना सेल्फी कैप्चर करना है। सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्लिक सेल्फी वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सेल्फी लेते टाइम आपको कोई भी फोटो, चश्मा, मास्क नहीं पहनना है और क्लियर लाइट में आपको फोटो कैप्चर करना है। सेल्फी लेने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम के ही तरफ से साइन मिलता है ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके, आप इस साइन का भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपना साइन खुद का एक मैनुअली आपको बनाना है तो आप यहाँ पे साइन मैनुअली पे आके अपना साइन बना सकते हो। सिग्नेचर बनाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक करके रखना है। और इंडियन रेसिडेंट हो तो आपको इस वाले बॉक्स को भी चेक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर आप जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, उसमें भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का लास्ट का 6 महीने आपको स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पर सिंपल आपको मोबाइल नंबर फिल करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर जैसे ही आप फिल करोगे तो आपके बैंक अकाउंट का जो लास्ट का 6 महीने का स्टेटमेंट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। हालांकि इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हो, बाद में भी ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना सालाना इनकम चूज करना है। आपका सालाना इनकम कितना है यहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगा देखने को। जो भी आपका सालाना इनकम होगा सिंपली आपको यहाँ से रेंज चूज करना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स को चेक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को चूज करना है। किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हो तो आपको प्राइवेट वाले ऑप्शन को चूज करना है। खुद का अगर कोई बिजनेस है तो आपको यहाँ पे बिजनेस वाले ऑप्शन को चूज करना है।
या अगर आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको यहाँ पे अदर्स वाले ऑप्शन को चूज करना है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है सिंपली आपको यहाँ पे वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों ही बॉक्स को चेक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ अपना एडिशनल डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि अपना फादर्स नेम, जेंडर आपका क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पर आपको वो सारा डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी का, आपका जो अनयूज्ड फंड होगा आप वो कितने दिनों में, कितने महीनों में वो सेटलमेंट करना चाहते हो, यहाँ से आप वो रेंज चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो अब यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है। 3 नॉमिनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नॉमिनी इसलिए ऐड करना है, इनकेस अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो आपने जो नॉमिनी ऐड किया होगा, जितना भी फंड में आपने पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपके बाद उस नॉमिनी का अधिकार होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है। सिंपली नॉमिनी का कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है और नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो। नॉमिनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हो डू इट लेटर पे टैप करके। फिर उसके बाद एंजल वन का कंप्लीट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप रिव्यू डॉक्यूमेंट में टैप करके अपने फॉर्म को देख सकते हो। इस फॉर्म में आपको एक साइन करना है, तो साइन करने के लिए आपको साइन योर डॉक्यूमेंट पे टैप करना है। साइन करने के लिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड का यूज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर या फिर वर्चुअल आईडी फिल करना है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। सिंपली आपको सेंड ओटीपी पे टैप कर देना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे ओटीपी नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे टैप कर देना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैक्सिमम 3 डेज में आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा एंजल वन का। आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर से एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एंजल वन एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से अपने फोन में एंजल वन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली उसके बाद एंजल वन को ओपन करना है। उसके बाद आपको अलाउ वाला पे टैप करना है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए आपको लॉगिन पे टैप करना है। आपने जो एंजल वन में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होगा सिंपली आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, जो भी परमिशन से आपके सामने उसे अलाउ करना है। ओटीपी नंबर फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। इसके लिए आपको सिंपली इनेबल नाउ पे टैप करना है। आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल स्क्रीन ब्लैक दिख रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपने फोन का पासवर्ड फिल करना है। जब भी आपको एंजल वन ऐप को ओपन करना होगा तो यहाँ पे आपको एक 4-डिजिट का पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही पिन बनाया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे मैं पिन नंबर फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आप चाहते हो कि फिंगरप्रिंट वाला भी लॉक सेट करना, तो यहाँ पर आपको सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे टैप करना है। अब आप एंजल वन ऐप में लॉगिन हो जाओगे, यहां से आप फंड में पैसा भी ऐड कर सकते हो। फंड में पैसा ऐड करने के लिए आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। बॉटम में सबसे नीचे में आपको राइट के साइड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप फंड में पैसा ऐड कर सकते हो। फंड में पैसा ऐड करने के बाद आप किसी भी स्टॉक को यहां से आप परचेज कर सकते हो। किसी भी कंपनी या फिर स्टॉक को सर्च करने के लिए आपको यहां पे सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहां पे उस कंपनी को सिंपली आपको सर्च करना है। अब उस कंपनी के स्टॉक को आप यहां से परचेज कर सकते हो। मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कैसे आप एंजल वन ऐप को यूज कर सकते हो, इसमें आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, सारा एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको एक अलग से बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको समझ में आ गया कि एंजल वन में अपना अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जाता है। वीडियो में अगर कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।